अंजनगांव सुरजी में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर महाराष्ट्र ने बांधकाम मजदूरों की मांगों को लेकर जिलाधिकारी एवं सहायक आयुक्तों को निवेदन सौंपा। अंजनगांव सुरजी में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर महाराष्ट्र ने बांधकाम मजदूरों को उचित लाभ न मिलने के संदर्भ में जिलाधिकारी तथा सहायक कामगार आयुक्त को निवेदन सौंपा, जिसमें MPJA के अध्यक्ष डॉक्टर अहमद अल्लाह खान ने कामगारों के समस्याओं का जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे को कई बार निवेदन दिया था, परंतु अभी तक मजदूरों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकला। जिन मांगों को लेकर अहमद उल्लाह खान ने निवेदन दिया, उसमें प्रमुख रूप से प्रमाण पत्र लेने के लिए ग्राम पंचायत, नगर परिषद से लेकर सहायक कामगार आयुक्त तक कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रमाण पत्र पर तारीख एवं आवक जावक नंबर नहीं रहता है, इंजीनियर की साइन नहीं रहती है, फॉर्म भरने के बाद 2-3 साल तक सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जिस कारण वो पद नहीं पाते, आदि कई समस्याओं का जिक्र इस निवेदन में किया गया। हमारे संवाददाता साजिद सौदागर ने मजदूरों से बातचीत करने पर उन्होंने कहा, बाइट, अगर जल्द से जल्द सभी सुविधाओं का लाभ मजदूर एवं उनके बच्चों को नहीं मिला तो MPJA ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी प्रशासन को दी है। हमारे संवाददाता साजिद सौदागर की खास रिपोर्ट। 100 रुपये मजदूरी टाकून भाड़ा ना तो यही तो इतपर्यंत आमचे कोणी कलेक्टर कोणी आमची बोट घेत नाही, लेकरा बायची मजुरी कडून स्कॉलरशिप भेटत नाही, आमच्या लेकराईले मजुरी पण भेटत नाही, भाड्याने यावं लागते, मजुरी पाळून यावं लागते। दर महिने झाले पण आम्हाला आमच्या जे काही भत्ता आहे मजुरी भत्ता हा काही मिळून नाही राहिला, सायकल पेटी हे जे सामान भेटते हे देत नाही म्हणतात, कागद नाही हा कागद नाही तो कागद नाही, हमेशा हमेशा आम्हाला बोलावतात, आम्ही 200 रुपये खर्च करून यापर्यंत येतो, आम्हाला पोट आहे की नाही आहे। डॉक्टर अहमदुल्ला खान, तालुका अध्यक्ष MPJA अंजनगांव सुरजी, माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस में हमने बांधकाम मजदूरों के साथ में निवेदन दिए और इससे पहले 29/5/2018 को भी निवेदन दिए थे, जिस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। ये बांधकाम मजदूरों को बार बार अंजनगांव से अमरावती आना पड़ता है और इनको रिटर्न करते हैं और योजना का लाभ आज तक के मिला नहीं, तो हमारी डिमांड यह है सरकार से, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से, के तुरंत मजदूरों को जो आज तक के जिन फार्म को भरा गया योजना के उन फार्मों की जो है तो कार्रवाई की जाए, उनके फार्म की जो योजना उनको दी जाए उसका लाभ दिया जाए और मजदूरों को आने जाने के लिए साइकिल दी जाए और मजदूरों को पेटी जो है तो सामान की पेटी दी जाए इस तरह से, और जो जो मजदूर जहाँ का है उसकी किताब वहीं बनाई जाए और उसको रिन्यूअल भी वहीं किया जाए और योजना के फार्म भी वहीं भरे जाए, ऐसी माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और बांधकाम मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है।